कैसे आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। यह वीडियो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बीएड से संबंधित है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपके लिए एक अपडेट जारी किया है। जिन बच्चों का इस बार पेपर हुआ था 2023 में, उनके लिए बहुत ही खास अपडेट है, न केवल बीएड बल्कि एमएड वालों के लिए भी। तो सूचना क्या है दोस्तों, विश्वविद्यालय ने आधिकारिक वेबसाइट पे ये जारी करके बताया है कि आपके बीएड और एमएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की बैक पेपर परीक्षाओं के फॉर्म भरे जाने हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने सूचना जारी किया है। आपके बैक पेपर के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप किसी एक विषय में, अगर आपके नंबर कम हैं, आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, या एक विषय में आप एब्सेंट रहे हो, या फिर आप फेल हो गए हो, कोई भी ऐसी समस्या हो किसी एक विषय में, उसके लिए आप बैक पेपर फॉर्म भर सकते हैं। भरना कैसे है वो सारी चीज़ें बात की जाएगी, लेकिन इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है और विश्वविद्यालय ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पे कौन सा नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें क्या कहा है, फॉर्म कब से भराने हैं और कब तक भराने हैं, इस सब की डेट उस नोटिफिकेशन में जारी की गई है। तो आइए एक नज़र डालते हैं अवध यूनिवर्सिटी के उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। यहाँ पे लिखा गया है, एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि स्नातक एवं परास्नातक वार्षिक मुख्य परीक्षा की बैक पेपर परीक्षा 2023, यानी कि जो 2023 में पेपर हुआ था उसकी बैक पेपर परीक्षा है, जिसमें बीएड एवं एमएड एवं बीएड और एमएड बैक पेपर परीक्षाएं द्वितीय वर्ष 2023। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बात बता दूँ कि इसमें न केवल बीएड एमएड बल्कि हर एक स्नातक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के बैक पेपर फॉर्म भरे जा रहे हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं बीएड और एमएड सभी के बैक पेपर फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा संपन्न कराए जाने ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गई है। तो इस प्रक्रिया से कैसे है भाई, आप 22 तारीख से, यानी कि आज का डेट है और मैंने जहां तक चेक किया वहां पे लिंक एक्टिव नहीं हुआ था, लेकिन हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, 2 जनवरी तक भरा जाएगा। तो हमें लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, उससे पहले हम लोग भर लेंगे। तो 22 दिसंबर से फॉर्म शुरू होना है और भरा जाना है 2 जनवरी तक, ठीक है। ये आपके लिए काम है कि एक स्टूडेंट अगर कोई एक पेपर में बैक पेपर भरना चाहता है तो वो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र महाविद्यालय में जमा करने के लिए क्या करना भाई, 22-12 से लेकर 3 तारीख तक, मतलब जब भी आप फॉर्म भर ले अगले दिन उसको जमा कर दीजिएगा, 3 तारीख से पहले यूनिवर्सिटी नहीं अपने कॉलेज में जाके जमा कर दीजिएगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र संशोधित एवं परीक्षा आवेदन पत्र को सत्यापित करने की तिथि, अब यहाँ से 22 से लेकर 4 तारीख ये कॉलेज के लिए दिया गया है। अगर कॉलेज को कोई त्रुटि लगती है या फिर बच्चे से कोई गलती हो गई तो कॉलेज में जाके वेरीफाई करा सकते हैं 4 जनवरी से पहले, और 4 जनवरी तक कॉलेज को आपको वेरीफाई कर देना है आपके सारे फॉर्म को। समझ में आ गया, कोई क्लियर सही, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं छात्र छात्राओं को कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.rmluexam.in पे भरना है। मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा, आपको आसानी से वहाँ से मिल जाएगा। छात्र छात्राएं प्रिंट किए गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र की 2 प्रतियां पर हस्ताक्षर करने के उपरांत महाविद्यालय के उपयुक्त निर्धारित समय सीमा में 1 प्रति जमा करना सुनिश्चित करेंगे तथा 1 प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे। जो भी हमारा फॉर्म निकल के आएगा पीडीएफ, उसके 2 कॉपी करा के उस पर साइन कर लेना, 1 कॉलेज में जमा करना, 1 अपने पास रखना है। यदि किसी छात्र छात्रा के परीक्षा आवेदन पत्र को पूरित करते समय कोई त्रुटि हो जाती है तो संबंधित छात्र छात्रा ऐसी दशा में अपने आवेदित परीक्षा आवेदन पत्र का महाविद्यालय के स्तर से संशोधित कराना सुनिश्चित करें। अगर आप किसी एक पेपर में बैक पेपर देने जा रहे हैं, आपने सब्जेक्ट गलती चूज कर लिया है, या कोई अभी समस्या आती है जिसे आप संशोधन कराना चाहते हैं, जिसे आप बदलना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको, जिसको आप करेक्शन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने महाविद्यालय में बात किया जाएगा। संशोधन के लिए 4 जनवरी तक टाइम है, आपका महाविद्यालय उसे संशोधित कर देगा, करेक्शन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई छात्र छात्राओं के बारे में। आगे महाविद्यालय के निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी छात्र छात्रा के परीक्षा पत्र आवेदन में त्रुटि हो तो ऐसी दशा में छात्र छात्रा के परीक्षा आवेदन पत्र को संशोधित करने के उपरांत ही महाविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र को सत्यापित करेंगे। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण परीक्षा आवेदन पत्र सत्यापित किए जाएंगे तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय में छात्र छात्रा की होगी। मतलब महाविद्यालय को कहा जा रहा है कि अगर किसी बच्चे से कोई त्रुटि है तो पहले उसे संशोधित कर ले, उसे करेक्टेड करके ही वेरीफाई करें, क्योंकि एक बार आप वेरीफाई कर देंगे फिर उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। ये कॉलेज के लिए निर्देश दिया गया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कॉलेज इस बात पे ध्यान देंगे और वेरीफाई करने से पहले एक बार कंसल्ट कर लेंगे छात्रों से कि क्या आपकी इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, और जिस बच्चे से अगर कोई त्रुटि होती है तो जब फॉर्म भरते हैं उसी दिन जाके कॉलेज में जमा करके बता दीजिएगा कि यहाँ पर ये संशोधन करना है। लास्ट पॉइंट इसमें दिया है, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र से संबंधित छात्र छात्राओं की सत्यापित सूची परीक्षा विभाग में जमा करना सुनिश्चित करें। तो ये विश्वविद्यालय क्या करेगा,
परीक्षा विभाग सॉरी महाविद्यालय आपका परीक्षा विभाग में विश्वविद्यालय के जाकर जमा कर देगा। दोस्तों मुख्य बातें ये हैं कि आपके 22 तारीख से परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं, 2 जनवरी तक आपका लास्ट डेट है। तो अगर आप किसी एक विषय में बैक पेपर देना चाहते हैं, आपने यूजी पीजी बीएड और एमएड के किसी भी एक सब्जेक्ट में आप देना चाहते हैं, जो परीक्षा 2023 में हुई थी उसके विषय में कोई एक बैक पेपर देना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 1 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। बाकी बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का बैक पेपर फॉर्म कैसे भरना है उसको स्टेप बाय स्टेप मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। यह वीडियो बस सूचना देनी थी कि बैक पेपर फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जो बैक पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक बार सुनिश्चित कर लीजिएगा बहुत ज़रूरी हो तो बैक पेपर भरिएगा, वरना मैं मोस्टली तो यही कहता हूँ कि ठीक है अगर नंबर ठीक ठाक है, परसेंटेज आप ठीक ठाक है तो कोशिश करिएगा बचे। बाकी फिलहाल अगर आप बैक पेपर भरते हैं, मेहनत करते हैं तो आपके नंबर इंप्रूव जरूर होंगे, लेकिन किसी एक ही सब्जेक्ट में आप भर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने तैयारी कर ली होगी, आप सुनिश्चित होंगे कि आपको भरना है कि नहीं भरना है, और जिस सब्जेक्ट में भरना है एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, मुझसे जो हेल्प हो सकेगा आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कराने में वो मैं कोशिश करके करा दूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों जो बैक पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत। नए जुड़े चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। पसंद आई हो जानकारी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया देना ना भूलें। खूब खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत। दोस्तों